Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. युग युग में जहां जहां धर्म की ग्लानी और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब भगवान किसी न किसी स्वरूप धारण करके इस जगत में अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण होकर के अधर्म का विनाश करते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत संपन्न असुर और दैत्य दानव श्रेणी के जो लोग हैं उनको विनाश करते हैं और साधुओं को परित्राण करते हैं तथा उनको आनंद विधान करते हैं। असुर आदि का जो विनाश करना ये आनुषंगिक कार्य है। भगवान का अवतीर्ण होने का जो मुख्य कारण है वो है साधुओं को आनंद देना, परित्राण अर्थात साधुओं को हृदय में भगवान के प्रति जो विरह भाव है उस विरह भाव को दूर करके उनको एक दिव्य आनंद प्रदान करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। यद्यपि भगवान के अवतीर्ण का बहुत सारे आनुषंगिक कारण रहता है, पर जो मुख्य कारण है वो एकमात्र भक्तों के आनंद वर्धन व भक्तों को सुख देने के लिए मद भक्ता नाम विनोदाय करो में विविध क्रिया, भक्तों को आनंद देना ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और आनुषंगिक रूप में असुर मारण आदि कार्य ये लीला संपादन करते हैं। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी इसी बात को और अधिक रूप में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं। गीता में तो खुद कहते हैं कि मैं सारे जीवों के परम हितैषी बंधु हूँ। भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञान त्वमाम शांति। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी भूतों के मैं सुहृद हूँ, सर्वदय बंधु हूँ, मंगलाकांक्षी व हितैषी बंधु। और एक बंधु ऐसे बंधु जो कभी भक्तों को छोड़ते नहीं है। भक्तों के सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सब सब है, भक्तों के संग में रहते हैं। इस जगत के जो बंधु हैं सभी सुख के बंधु, सुख के साथी दुख के कोई साथी नहीं होता। जब संपद होता है तब बंधु बनते हैं और जब विपद का समय आता है सब बंधु दूर हो जाते हैं। पर जो वास्तव बंधु है भगवान वो सब समय
भक्त के साथ सुख दुख में खड़े होते हैं। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम कहते हैं, भक्त जैसे जैसे प्रभु की सेवा करने की इच्छा करते हैं, भगवान उसी उसी रूप में उनको साक्षात्कार कर दर्शन देते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्ति ही उनका एकमात्र प्राप्ति का उपाय है। तो हम भक्ति योग परिभावित रुत सरजे आस्य श्रुति की तननाथ पुंसम जज धिया तौरुगाय विभावयन्ति तम तम बपु प्रणयस्य सदनुग्रहाय। तो भक्ति योग परिभावित रुत सरोजे, ऐसे भक्त कैसे साधारण मुझ जैसा नहीं, जो वास्तव जिसके हृदय में भक्ति रस का उत्पन्न हुआ है। तो भक्ति योग परिभावित रुत सरोजे, भक्ति योग के द्वारा जिनका हृदय कमल परिभावित हुआ है, भक्ति रस से जिनका हृदय कोमलीकृत हुआ है, निर्मलीकृत हुआ है, भक्ति रस के द्वारा हृदय स्निग्ध हो गया है, ऐसे भक्तों के साथ भगवान साक्षात्कार करते हैं। साधारण नहीं, भक्त आभास, भक्त अपराधी, ऐसे लोगों के भगवत साक्षात करने, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्ति रस का आस्वादन करने वाले हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय कमल भक्ति रस के द्वारा जब परिभावित हो जाता है, अभिसिंचित हो जाता है, सराबोर हो जाता है, तो उनके हृदय कमल और अधिक प्रस्फुटित हो जाता है। भक्ति रस को पा करके हृदय रूपी कमल वो प्रस्फुटित होने पर उस कमल से दिव्य सुगंध, भगवान की सेवा परिचर्या रूपी जो दिव्य सुगंध उस हृदय से प्रकाशित होता है। जैसे कमल प्रस्फुटित होने पर कमल का सुगंध प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार साधक भक्त का हृदय जब भक्ति रस से परिभावित होता है, तो उस भक्ति रस से परिभावित हृदय भगवान की एकांतिक सेवा, भगवान की परिचर्या रूपी सुगंध से वो परिवेश को सुगंधित कर देता है। जैसे कमल प्रस्फुटित होने पर उसके सुगंध से आकर्षित होकर के उसके सुगंध को आघ्राण करने के लिए दूर दूर से भंवर आकर वहां पहुंचता है, मधुमक्खी आकर वहां पहुंच जाता है, तो उसी प्रकार ऐसे अप्राकृत और अहेतु की निस्वार्थ सेवा भाव जब साधक हृदय में प्रकाशित होता है, तब भगवान उस भक्त हृदय कमल की जो सेवा सुगंध को आस्वादन करने के लिए, आघ्राण करने के लिए भंवर बन करके वहां पर पहुंचते हैं। और आकर कैसे पहुंचते हैं उस हृदय कमल तक, कौन सी रास्ता है, आस्य श्रुत इक्षित पथो, श्रुत रूपी जो पथ निर्देश किया गया है, भगवान उसी कर्ण श्रुत अर्थात कर्ण रूपक जो कर्ण रंध्र हैं, उसी कर्ण ही भगवान के लिए एकमात्र प्रवेश पथ हैं। इसलिए हमारे परम गुरु जी के प्रबंधावली ग्रंथ में एक सुंदर प्रबंध प्रकाशित किया है, जिसका नाम है कर्ण प्रस्तुत करते हुए तत्काम को प्रस्तुत करना होगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो पहले कान को देना होगा, कान को तैयार रखना होगा, और किसी इंद्रियों की बात नहीं कही गई, अपना कान दे दो। जैसे इस जगत में हम किसी के प्रति, किसका रूप देख करके, किसका जौवन देख करके, किसी के धन संपत्ति वैभव को देख करके, किसके गुण को देख करके आकर्षित होते हैं, उनके साथ हम संबंध जोड़ते हैं, कि उसी प्रकार हम भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए, अर्थात साधु गुरु वैष्णव के साथ संबंध जोड़ने के लिए एकमात्र उपाय है कर्ण।
हम जितने कर्ण दिया गुरु वैष्णव को उसी अनुरूप हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। हम जितने जितने साधु गुरु वैष्णवों की कथाओं को श्रद्धा पूर्वक कर्ण रंध्र के द्वारा उसको श्रवण करते हैं पान करते हैं उसी अनुरूप हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा धीरे धीरे रति और अंत में परिपक्व अवस्था में प्रेम भक्ति में बहुत रूपांतरित होता है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए एकमात्र पद है कर्ण रंध्र प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सररुहम धुमति समलम कृष्णम सलिलस्य यथा शरद। भगवान इसी कर्ण रंध्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश करके साधक हृदय में जितने प्रकार की मैल हैं अंधकार हैं अनर्थ हैं अज्ञानताएं हैं पाप हैं ताप हैं वासनाएं हैं उन सभी हृदय की जितने प्रकार की आवर्जनाएं हैं अनर्थ समूह हैं उन सभी अनर्थों को क्या करते हैं भगवान हृदय में प्रवेश करते हुए प्रविष्ट कर्ण रंध्र स्वानम भाव स्वरूप धुनोति समलम कृष्ण धो डालते हैं जितने हृदय की मल हैं उन सारे मल को धो करके उसको परिष्कार कर देते हैं। तो इसी प्रकार भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए आज के दिन नृसिंह रूप का धारण किया था। ऐसे भक्त कौन है जिनका हृदय भक्ति रस से प्रभावित है वो है भक्तराज प्रह्लाद महाराज सत्यजुग की कथाएं हैं। इस हरे कृष्णा 5 मिनट में इधर रेडी कर दियो हाँ बीच समय नहीं। हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल भक्त सुनाए जी थे ओम ज्ञानते मिराम घस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णमस्ति नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्याकशिपुर्वक्ष शिलाटंकनखालय बागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संबित तं नृसिंहम् अहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण हरे हरे सारे करते कुछ हरे राम 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 हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री ल नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। जितने सारे वस्तु है ना सुना सब समस्त को जबकि मंत्र पढ़ी पवित्र करती शुद्ध करती मंत्र जानी चाहिए कि नहीं
घी आदि सब किस मंत्र तब शुद्ध कर ध्यान शिखना ही मंत्र बड़ा तो अच्छा अर्चन दिन का देख शुद्ध कर सब दिन रेडी कर रखा 5 मिनट पर ये कर 5 मिनट पर पूरा रेडी कर रखा सब दिन सब। हरे कृष्णा, आज एक विशेष तिथि है, आज श्री भगवान नरसिंह देव का आज आविर्भाव तिथि है, इसलिए हम लोग अभी अभी श्री उत्तम प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे। भगवान स्वयं कहते हैं, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान मधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहं। भगवान युग युग में भक्तों को रक्षा करने के लिए, दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं, और भक्तों का जो विरह जनित जो दुख है, ये दुख को दूर करने के लिए विशेष रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं। आज भगवान श्री नरसिंह देव का आज अवतार है। कहते जो नरसिंह भगवान है, ये जो भक्त लोग हैं, शास्त्र में बताया, सत्यम सत्नेन विघ्नानि सहस्रेण तथा तपो विघ्न अजुतेन गोविंद। इसका मतलब है जो सच बोलते हैं कि तो उसमें 100 विघ्न है, जो तपस्या करते हैं उनका 1000 विघ्न है, लेकिन जो व्यक्ति गोविंद को भजन करते हैं ठाकुर जी को, कहते प्रति पद पद में उनकी विपत्ति है, प्रति पद पद में उनकी विपत्ति है, इसलिए लेकिन विपत्ति आने पर भी भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। कद भगवान के अनंत गुण में जो भक्त वत्सल जो गुण है, ये सर्वश्रेष्ठ ये गुण है। इसलिए कृष्ण गीता में अर्जुन को द्वारा प्रतिज्ञा कराते हैं, क्या कराते हैं, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, कौनते प्रतिजानी न मैं भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करो मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं। भगवान बोले, अर्जुन कहते बोले प्रभु तुम्हारा भक्त का विनाश नहीं, आप ही बोलो ना, मेरे से क्यों प्रतिज्ञा करवाते हो। बोले मैंने बहुत बार प्रतिज्ञा किया हूँ, अगर मेरा भक्त कोई प्रतिज्ञा करता है, मैं अपना प्रतिज्ञा तोड़ करके भक्तों का प्रतिज्ञा को मैं रक्षा करता हूँ, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो मेरा भक्तों का कभी विनाश नहीं। इसलिए भगवान ने ये बात को आज भगवान आज का दिन भगवान नरसिंह रूप में अवतीर्ण होकर की यह चीज को भगवान ने स्थापन किया। अगर कोई मेरे को सच दिल से हृदय से अगर कोई पुकारता है, मैं जरूर भक्तों को मैं रक्षा करता हूँ। इसलिए बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए कहते हैं भगवान श्री प्रहलाद महाराज को रक्षा करने के लिए आज का दिन उन्होंने प्रकट हुई। इसलिए सवेरे सवेरे भी हम लोगों ने नरसिंह देव का बड़े सुंदर सुंदर कथा सुने थे। कहती जो नरसिंह भगवान की कथा, कहती ये सप्तम स्कंध में आती है, इसलिए हम लोग श्रवण किया था। सप्तम स्कंध का जो लक्षण है, भागवत में 10 लक्षण, सप्तम स्कंध का जो लक्षण कहते उत्ति, क्या लक्षण है कहते उत्ति। बोले उत्ति का मतलब क्या है, बोले कर्म वासना। कहते ये कर्म वासना 2 तरह का है, एक अच्छा है और एक बुरा है, एक अच्छा है एक बुरा है। इसलिए सप्तम स्कंध में वही चीज को दिखाए, बोले हृदय में अच्छे भावना कब आता है, बोले महत कृपा बिना कौन कर्म भक्ति न है, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार ना है। तभी हृदय में कोई अच्छी वासना आती है जब किसी भक्तों का हमारे ऊपर में कृपा हो। इसलिए भक्तों की अगर कृपा नहीं हो तो कभी हृदय में अच्छी वासना आ ही नहीं सकता है। इसलिए कहते इनका नाम प्रहलाद, इनका नाम प्रहलाद है। ये प्रहलाद महाराज का हृदय में ये अच्छी वासना आई कैसे, बोले भगवान की कृपा से, भक्तों की आशीर्वाद से। बोले कैसे, बोले जिस समय श्री प्रहलाद महाराज अपना मातृ गर्भ में थे, रहते समय इतने में इंद्र ने देखा उसका एक पिता हिरण्यकश्यप ने ये दुनिया में टहलका मचा दिया, इतने उत्पात उसने मचाया, हम लोगों को तो बीच बीच में स्वर्ग से खदेड़ देता है। और देखा जिस समय हिरण्यकश्यप गया था तपस्या करने के लिए, उसी समय उनकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी,
इंद्र ने देखा किसी तरह से इसको बच्चों को मार डाले, क्योंकि अगर बच्चा हुआ ना फिर तो पिता बच्चे मिलेंगे तो फिर तो हम तो स्वर्ग में रह नहीं देंगे, अभी अभी हमें खदराते रहते हैं। इसलिए उनको मारने के लिए उन्होंने क्या कर रहे थे, उसको पकड़ करके ले जा रहा था। इतने बीच में श्री नारद जी मिले, बोले क्या कर रहे हो? बोले मेरे अंदर में कोई खराब भावना नहीं, इसकी गर्भ में कया तू गर्भ में एक बच्चा है, ये जब बच्चा को जन्म देगा मार करके मैं छोड़ दूंगा। बोले तेरे को पता है इसके गर्भ में कौन है? कहते भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त श्री प्रह्लाद महाराज हैं। इसलिए हम जब जयकार देते हैं ना, हम क्या जय देते हैं? भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की, हम ये बोल करके जय देते हैं। बोले क्यों इनको भक्त श्रेष्ठ हम कहते हैं क्यों? कारण क्या? बोले कारण है भगवान स्वयं ये बात को उद्धव जी को कहते हैं। बोले हे उद्धव, ये भक्त मेरे जितने प्रिय है ना जगत में और इतना प्रिय कोई है ही नहीं। इसलिए कहते न तथा मे प्रियतम आत्म ज्वनीर न शंकर, मेरे भक्त इतने प्रिय हैं, मेरे बेटा श्री ब्रह्मा भी इतना प्रिय नहीं, मेरे हरि हरे एकात्मा श्री शंकर भी इतना प्रिय नहीं, कहते श्री लक्ष्मी भी मेरी अंक साइन लक्ष्मी भी इतना प्रिय नहीं, श्री बलदेव प्रभु भी इतना प्रिय नहीं, मैं भी मेरा इतना प्रिय नहीं जितना प्रिय मेरे भक्त हैं। लेकिन प्रह्लाद महाराज 5 साल उम्र में इतने बचपन में हैं, इतने बचपन में इनको भर में कितने बाधा विपत्ति इनको भर में आई, लेकिन किसी स्थिति में उन्होंने भगवान को नहीं बोले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अगर कोई बाधा विपत्ति आ गया भजन करते करते, भले ही खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले तो ये बाला ही छोड़ देंगे। बोले भगवान का इतना भजन किया और भगवान हमारा साथ में ऐसे किया है। इसलिए अरे कभी कभी तो किसी ने घर ठाकुर जी को घर से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, बोले आज से भक्ति भक्ति कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रह्लाद महाराज 5 साल उम्र में होते हुए भी इनके ऊपर में कितने बाधा कितने विपत्ति आई, लेकिन उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, पिताजी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति को कभी उन्होंने नहीं छोड़े। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, भक्त श्रेष्ठ। और भगवान जब दर्शन दिए, दर्शन देख रहे भगवान कहते प्रह्लाद जी बर मांगो, प्रह्लाद क्या कहते हैं, बोले प्रभु ये बर की चक्कर में मेरे को मत डाला करो, ये बर की चक्कर में मत डाला करो, हाँ देना तो आपकी चरण में हमें भक्ति, आपकी सेवा, आपकी हमें प्रेम प्रदान करो। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद। और बोले और कुछ मांगो, और कुछ मांगो, बोले देना तो इतना ही दीजिए, मेरे पिताजी आपको ऊपर में बड़े अत्याचार किया, भक्तों को दोष किया, द्वेष किया, इसलिए मेरे पिताजी को आप उद्धार कर दो। बोले प्रह्लाद तेरे पिता का नाम क्यों कहते हो, तेरे तो 21 पीढ़ी उद्धार हो गए, भी सप्त भी पिता पुत हैं, तुम्हारे तो 21 पीढ़ी उद्धार हो गए, कुछ और कुछ बर मांगो। बोले प्रभु अगर देना चाहते तो और एक बर दे दो। बोले क्या? बोले पृथ्वी में जितने लोग हैं, ये जो दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, इनके सारे दुख कष्ट मुझे दे दो, मैं करोड़ों काल के लिए इनका दुख लेकर के नरक भोग करूं, लेकिन आप ये सब पृथ्वी के सब लोगों को उद्धार कर दो। भगवान ने देखा, देखो संतों का हृदय कितने महान है। इसलिए बोले संत हृदय नव नीत समाना, कहा कभी निपर कहीं ना जाना, इनका हृदय इतने कोमल होता है। भगवान संतुष्ट हो गए, बोले प्रह्लाद अगर तुम्हारी ऐसे इच्छा है ना, एक ब्रह्मांड उद्धार हो जाए, मेरा अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड को मैं पूरा उद्धार करके अपना चरण में स्थान दे दूंगा, लेकिन तुम्हें अपराध लेने का कोई पाप लेने का कोई जरूरत नहीं। इतने महान प्रह्लाद के हृदय। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रह्लाद महाराज की। इसलिए उत्ति मतलब होता है कर्म वासना। कहते कर्म वासना दो तरह का, एक गंदा एक बुरा है, एक अच्छी एक है, बुरी है। इसलिए कहते प्रह्लाद महाराज जब मातृ गर्भ में थे, कहते उसी समय में इनको श्री को नारद जी अपना आश्रम में ले गए और प्रह्लाद को उद्देश्य करके उन्होंने 60,000 साल तक जब तक हिरण्यकश्यप ने तपस्या की तब तक श्री नारद जी उनको भगवान की कथा सुनाते रहे।
और प्रहलाद गर्भ में बैठ बैठ करके उन्होंने सारी कथाओं को उन्होंने श्रवण किया, सारी कथाओं को श्रवण किया, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, बोले प्रहलाद। बोले प्रहलाद मतलब क्या, प्र मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में, पूर्ण रूप में, लाद मतलब होता है आनंद, लाद मतलब होता है प्रकृष्ट रूप में जो आनंद है। शिक्षा देते हैं एक व्यक्ति पूर्ण रूप में आनंद जीव को मिलेगा कब, बोले तभी मिलेगा जब किसी वैष्णव का हमारे ऊपर में, किसी साधु का अगर हमारे ऊपर कृपा हो जाए ना, बस हमारा जीवन क्या होगा, हमारा जीवन भक्ति प्रेम और आनंदमय हो जाएगा। लेकिन पिताजी क्या बने, हिरण्य कशु बने। बोले हिरण्य कशु मतलब क्या होता है, बोले हिरण्य मतलब होता है सुवर्ण, कशु मतलब तो बिस्तरा है, कशु मतलब होता है बिस्तरा, और इसका बड़ा भाई का नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्य मतलब सुवर्ण, अक्ष मतलब आंखें हैं, जिनका आंख में सुवर्ण सुवर्ण बैठा, क्योंकि सुवर्ण में कली का स्थान दिया गया, इतने सारे पाप ये सुवर्ण में, इसका मतलब जिनका आंखों में कोई पाप बैठा हुआ। और हिरण्य कशु मतलब जिसका बिस्तरा है, जिसका पाप केवल भोग भोग जिसके अंदर में वृद्धि है। कहते भैया ये भोग वृद्धि कब आता है, ये भोग वृद्धि कब आता है, तभी आता है अगर हमारे ऊपर में कोई वैष्णव अगर नाराज हो जाए। जैसे सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे पानी के अंदर में, लेकिन गरुड़ जी की गरुड़ जी को उन्होंने अभिशाप दिया, तो इसलिए बांधा तक उन्हें 50 बेटियों को जाकर शादी करना पड़ा। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं अगर किसी वैष्णव चरण में अपराध हो जाए ना, फिर हृदय में संसार की वासना पर जगता है, हैं? संसार की वासना जगता है। इसलिए किसके चरण में अपराध हुआ, कहते ये चतुसन के चरण में इनकी अपराध हो गया। चतुसन चरण में अपराध होने का नाते उनका मार्ग को उन्होंने रोक दिया, रोक दिया तो चतुसन ने बिगड़ करके उनको अभिशाप दे दिया। बोले हम जैसे ब्रह्मज्ञानी इनके लिए रास्ता मार्ग में तुमने रोक दिया, बोले तुम वैकुंठ में रहने का लायक नहीं, जाओ तुम राक्षस घर में कुल में जन्म ग्रहण करोगे तुम लोग, इसलिए उनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनना पड़ा। क्यों, अगर किसी भक्त अगर नाराज हो जाए तो फिर तो हमारा गति संसार गति है, संसार गति। सबसे बड़ा वैष्णव चरण में अपराधी सबसे बड़ा अपराध है। कहते सबसे बड़ा अपराध का फल क्या है, दंड होनी चाहिए ना, दंड होनी चाहिए। लेकिन सौभर जिसने 50 बेटियों की शादी किया, किसने कहा उसको दंड कहाँ मिला, राजकुमारी है बड़ी सुंदरी सुंदरी, एक नहीं 50-50 राजकुमारी को शादी किया, दंड कहाँ मिला उनको, ये तो बढ़िया हुआ उसको, राजमहल अलग सभी के लिए अलग अलग राजमहल बनाया, सभी को साथ में अलग अलग रहता था, तो दंड क्या होता, आनंद ही आनंद मिला। कहते नहीं ये दंड है, इसलिए कह संत लोग कहते हैं अगर किसको ऊपर द्वेष करना है ना, किसको क्या करना है, किसका प्रतिशोध लेना, कहते उनको दो काम करवा दो, एक व्यक्ति को पूर्णा गाड़ी दिला दो, नहीं तो उसको शादी करा दो। ये सबसे बड़ा दंड है, क्योंकि किसर संसार यही छायाबाजी प्राय, और यहाँ तो ममता करी वृद्धा दिन जाए, क्योंकि संसार में कोई इसका है ही नहीं, स्त्री पुत्र इसे झूठा संसार माया है, हैं? ये तो माया है। गर्दवर मतामी करी परिश्रम कार लागी तो करी ना खुशी लग रहा, किसके लिए कर रहे हो इतने, हैं? आप कैसे बोले जब तक जेब में पैसा हो, ये संसार बड़ा विचित्र दुनिया है, इसलिए सबसे बड़ा दंड है ये संसार। इसलिए हिरण्यकश्यप बनना पड़ा, क्यों, कहते वैष्णव चरण में इनके अपराध होने का ये सबसे बड़ा दंड ये उनको भोगना पड़ा। इसलिए इस ये अध्याय को क्या बताया गया, इसको उत्ति बताया गया, इसको उत्ति बताया गया। इसलिए सवेरे हमारे बुद्धायन महाराज ने सवेरे उन्होंने बहुत सारी प्रहलाद महाराज की कथा सुनाए, लास्ट तक जो गए थे, अभी ठाकुर जी रेडी हो जाओ अभिषेक कराने के लिए, भैया पुजारी लोग कहाँ हैं सबके सब, हरे कृष्ण पुजारी लोग कहाँ, रेडी हो जाओ सबके सब, जाकर तैयार करो, 5 मिनट खत्म, रेडी है ना। इसलिए कहते अभी श्री नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले हैं, कि जिस समय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बोले बताओ जो गुरु गृह में गया था, गुरु जी ने तुम्हें श्रेष्ठ विद्या क्या बढ़ाया, अभी ध्रुव जी प्रहलाद ने याद किया, ये गुरु तो ये संडा अमर कहे नहीं, क्योंकि संडा अमर को पास में पढ़ते, संडा मतलब सांड,
अमर को मतलब बंदर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो गुरुदेव हमें भक्ति की पाठ नहीं पढ़ा करके केवल ये संसार की कैसे एटीएम कार्ड बनाते हैं, केवल कैसे पैसा कमाओगे पैसा कमाओगे, लेकिन जो हमें परमार्थ विद्या की शिक्षा नहीं देते हैं, हैं केवल अर्थोपार्जन की विद्या सिखाते हैं, क्या वो सांड और वो बंदर सबके सब, ये कोई गुरु बनने का कोई लायक है नहीं। लेकिन जब उन्होंने पूछा बताओ गुरु जी ने क्या शिक्षा दिया, देखा मेरे गुरु तो नारद जी है, मेरे गुरुदेव नारद है, नारद जी ने मेरे को इतनी कथा सुनाई। फिर देखा यहाँ पर सबके सब सभा में बैठे हुए हैं, सबके सब लोग बैठे हुए, और ये प्रश्न कर रहे हैं जगत में सबसे उत्तम विद्या क्या, बोले ऐसे बात बोलो ना सबको पता चल जाए जगत में सबसे उत्तम विद्या क्या है, सबको पता चलनी चाहिए ना, कोई बढ़िया चीज हो, अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको खिला कर खानी चाहिए, है प्रसाद बांटना कही हो अल्प बहुत न कही हो, इसलिए प्रसाद को बांट कर खाने से वैकुंठ जाते हैं, इसलिए ये सबसे बढ़िया प्रसाद है, ये सब लोगों को पता चली जाए जगत में सबसे उत्तम विद्या क्या, बस सबको सामने जोर जोर से बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनवलक्षण क्रियते भगवत अध्यातन मन्ने धीतम उत्तम। बोले पिताजी जगत में सर्वश्रेष्ठ विद्या वो है, पहले गुरु जी के चरण में सबसे पहले आत्मसमर्पण कर दो, समर्पण करते हुए क्या करो फिर जा करके ये जो नव विद्या जो भक्ति है साधन श्रेष्ठ साधन मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दित धरे महाशक्ति है, इसलिए सख्या दिए कृष्ण को देने वाली ये नौ तरह का जो भक्ति है, कहते एक अगर नौ तरह का छोड़ दो, अगर कोई एक भक्ति का अंग कोई जाजन करे ना उसको द्वारा उसको भगवत प्राप्ति हो जाता है, इतने महिमा इसकी नव विद्या भक्ति, इसलिए भगवान राम भी सबरी को भी यही नव विद्या भक्ति को उन्होंने शिक्षा प्रदान किया, प्रथम भक्ति संतन करी सेवा संतन करी संग द्वितीय भक्ति तत्कथा प्रसंग, वहां पर भी भगवान ये नौ तरह का भक्ति की शिक्षा दिया है, बस इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप को तो प्यार से लेकर सर तक इसकी शरीर में आग बबूला हो गया, संडहामर को गाली देने लग गया, जिसकी थाले में खाते हो उसमें छेद करते हो तुम, संडहामर को बोले हमने ये सब बात नहीं बताया, पता नहीं ये नैसर्गिक रूप में स्वाभाविक रूप में कहां से ये सब कथा बोल रहा है, हैं हमने नहीं सिखाया, जब उसको पूछा गया बोले क्यों रे चंडाल तेरे को ये सब बात सिखाया किसने, ये क्या संडहामर को बताया, बोले नहीं, नई सांग मति स्थावत उरु क्रमांग्री स्पिशार्थ अनर्थ अपगवम जदर्थ, कहते पिताजी ये क्या हमारे मति भगवान में लगाएंगे, बोले ये नहीं जानते है, बोले नहीं, बोले पता तुमको पता है कितने बड़े विद्वान ये सारे शास्त्र वेद उपनिषद सब पढ़ने वाले हैं, तुमको पता नहीं, जब ये लोग विष्णु भक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताते हैं तुम कैसे कहते हो विष्णु भक्ति सर्वश्रेष्ठ, ये तो सारे शास्त्र को जानने वाले, जब ये नहीं बता रहे तुम्हें कैसे बता, तब कहते नई सांग मति स्थावत रुक्रम मांगी, बोले पिताजी मैं असाम निष्किंचना नाम न प्रिंत जावत, जब तो कोई निष्किंचन भक्त है, निष्किंचन भक्त मतलब जिन लोगों ने संपूर्ण रूप में संसार का सारे संबंध को तोड़ करके एकांत रूप में शुद्ध वैष्णव परंपरा को ग्रहण करते हुए जो भगवान की भक्ति करते, जो ऐसे जो निष्किंचन भक्त है, जब तक उनके चरण में शरणागत नहीं हो भले ही जो कुछ पढ़ दो हैं, इसलिए रघुगणि न तपस्या न जाति न इज्जया न निर्वाप न गृहत्वा नैव छन्दसा नैव जलाग्नि बिना महत पदो रजो विषयकम्, भले ही दुनिया में जो कुछ तुम कर लो हैं, जितने जटा जुड़ धारण कर लो, वेद पढ़ लो, अग्नि पूजा कर लो, सारे घर घर छोड़ दो, भैया कुछ होने वाले नहीं है, हैं तुम्हारी कुछ होने वाले नहीं, जब उन्होंने ये बात को बताए फिर तो बड़ा क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, क्रोध आया तो उन्होंने जितने राक्षसों को बुला करके बोले इसको जान से मार डालो, फिर तो प्रह्लाद महाराज को कितने कितने तरह से उसको
पहाड़ को ऊपर से लेकर के उसको भी वहां गिराया गया और वहां पर अभिचार मंत्र के द्वारा और वहां पर दिग्गज जो गज हाथी के द्वारा पैर में पिसने के लिए कोशिश किया गया, उसको अंधकार काल कोठरी में रखा, वाले बंद कर दो इसको 6 महीने तक, खाना पीना इसका बंद कर दो। हैं भक्त लोग कहते हैं वैकुंठ से जब लक्ष्मी भगवान के लिए प्रसाद लेकर गई छापान्न भोग 36 व्यंजन, भगवान बोले लक्ष्मी मेरा भक्त भूखा है, मैं भक्तों को खिलाए बगैर मैं कैसे खा सकता हूँ, चलो हम अपना भक्तों को खिला करके आते। वो आते हैं ठाकुर जी प्रहलाद को माँ लक्ष्मी का हाथ में बनाया हुआ प्रसाद को चकाचक भोजन करा के जाते। उसके बाद में बोले खोलो इसको दरवाजा, सर गल कर खत्म हो गया। अंदर से निकला तो और मोटा बन करके निकला, बोला अरे इसको तो खिलाए बिला नहीं मोटा कैसे हो गया है। बोले इसको उसके बहन होली का आई, बोले भैया तू दुखी दुखी देख रहे हो। बोले क्या बताओ ये प्रहलाद महाराज कहाँ से जन्म ले ले, कुत्ते का जिसे पूछ में भले जितना तेल लगा दो ना फिर छोड़ दो फिर टेढ़ा हो जाता है, हैं सारा दुनिया को मैंने वसीभूत करके रखा, ये इतने ढीठ है मेरे शत्रु हरि का भजन करता है और मानने पर भी मरता नहीं। बोले चिंता मत करो ब्रह्मा जी मेरे को वरदान दिया मेरे को ये अग्नि स्पर्श नहीं करेगा, सीधा सजाओ और उसको मैं गोद में लेकर बैठी जाती हूँ आग लगा दो। आग लगा तो चीख निकला बचाओ बचाओ बचाओ, हिरण्यकश्यप देखा बस खत्म, हाँ मेरा शत्रु खत्म। जब आग बुझ गया ना देखा होली का जल करके राग हो गई और वो तो अंदर में बैठी करके बोले गोविंद जय जय गोपाल भगवान का नाम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर पता है तो क्या कितने क्या क्या नहीं किया उनको है उसको मारने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। बोले कुछ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान का हाथ को तरह परिलंबित तो भगवान जैसे पिता माता जैसे बच्चे को अपना गोद में बैठा कर रखते हैं ऐसे ही भगवान उसको आलिंगन करके अपना गोद में बैठा कर रखे था। इसलिए जाके राके साहिया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर से जग जग बैरी होई, भले ही विश्व ब्रह्मांड तुम्हारी शत्रु क्यों नहीं बन जाए भगवान जिसको रखा करते उसको कोई भी बिगाड़ नहीं सकते। जब किसी तरह से उसको कुछ नहीं कर पाए इतने में उसको पिता तो बड़े चिंतित पड़ गए, बोले ये क्या हो रहा है बड़ा चिंतित में। इतने में संधा मर को बोले कोई चिंता मत करो जो बड़े गुरुजी शुक्राचार्य गए बाहर अभी छोटा बच्चा है आ जाए वो समझाएगी तो ठीक हो जाएगा। इसलिए फिर उसको भेज दिया कहा गुरुकुल में, फिर संधा अमर के ने उसको धर्म अर्थ काम है धर्म अर्थ काम ये सब विद्या उनको सिखाने फिर लग गए। लेकिन प्रहलाद महाराज ने उसको अच्छा विद्या नहीं साम दाम दंड भेद नीति कूटनीति सिखा रहे थे लेकिन उनको सही विद्या ये नहीं इसलिए उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसलिए ऊपर ऊपर तक सिर हिला रहे थे लेकिन ग्रहण नहीं किया हैं। जब ग्रहण नहीं किया इतने में बीच में जब गुरु जी बाहर चले गए भोजन के लिए बास बहु का पा करके प्रहलाद ने देखा ये बच्चों का हृदय बड़ा निर्मल पवित्र है, जो बच्चे है ना जो कोरे हृदय इनकी है, इनके हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष कुछ है ही नहीं। इतने में बच्चे लोग जो बोले प्रहलाद चलो खेलेंगे, बोले आज यहाँ पर बैठो कि नया खेल सिखाएंगे। बोले नया खेल बच्चे सीखते बड़े खुश हो जाते हैं, बोले भैया कौन सा नया खेल, बोले बैठो बैठ करके पास। फिर प्रहलाद ने उनको दिव्य ज्ञान देना उन्होंने आरंभ किया है कौमार आचरित प्राज्ञम धर्मान भागवत निह दुर्लभ मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतम। जब उन्होंने ये बात बताए है क्या इसलिए क्या करो भक्ति कौवार उम्र से करो क्या उन्होंने कहते प्रभुपाद इसको बोले 100 बार पाठ किया प्रभुपाद ने। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ऐसे प्रहलाद महाराज का उपदेश था राक्षस जैसे बालक है जिनका मति बदल गई ऐसे उनके उपदेश है अद्भुत है। यहाँ पर 5-6 श्लोक है ये श्लोकों को याद करनी चाहिए, इतनी अच्छी अच्छी श्लोक यहाँ पर बताए वो श्लोक को सबको याद कर लेनी चाहिए जिसकी बात सुन करके जैसे जैसे राक्षस का बच्चे जैसे भी इनका मन कैसे परिवर्तन हो गया। जब इनके मन परिवर्तन हो गया संधामर को जब आए बोले हे भगवान ये क्या है ये बीमारी तो जल्दी बड़े जल्दी जैसे कोरोना बढ़ रही ना कोरोना जैसे ही बीमारी बड़ी जल्दी बढ़ती। गांव में कोई एक व्यक्ति तिलकधारी कंठधारी बन जाए ना जन झट ग्रुप बन जाता है। बोले भैया ये बीमारी तो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है भैया ये बीमारी पूरा पृथ्वी को व्याप नहीं जाए हाँ व्याप नहीं जाए इसलिए यहीं पर खत्म करनी चाहिए। उन्होंने जाकर हिरण्यकश्यप को बोले ऐसे ऐसे बात है एक प्रहलाद था पूरा क्लास को प्रहलाद बना दिया है
हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया, बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यप आकर के उन्होंने पूछा, बताओ विश्व ब्रह्मांड मेरे डर से थर थर कांप रहे, किसका बल में तो इतना बलियान। बोले पिताजी, जिसका बल में केवल मैं नहीं आप भी, ये विश्व ब्रह्मांड स्थावर जंगम कितना उसके इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं हिलता है, जिसका बल में सबके सब बलियान केवल मैं नहीं आप भी, लेकिन दुर्भाग्य का विषय आप इस चीज को मानना नहीं चाहते हो। बड़ा क्रोध आया, ये मेरे को है, ये मेरे को उपदेश दे रहा है। बोले बताओ तेरे हरि कहाँ है। बोले बताओ मेरे हरि है नहीं कहा तो बताओ। बोले खंभे में क्या है। बोले मेरे को तो दिख रहा है भगवान खंभे में बैठे हुए, सचमुच से नरसिंहदेव प्रकट हो गए, साक्षात नरसिंहदेव प्रकट हो गए। उन्होंने देखा खंभे को अंदर में, उन्होंने अपना इष्ट देव को उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया बोले पहले तेरे प्रभु को दिखाता हूँ, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। मुष्ट का घात मार खंभे के ऊपर में, अरे खंभा फट गया, साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री नरसिंह भगवान की, बोले प्रहलाद महाराज की, न मृग न मानुषम, ऐसा भयंकर रूप था। विश्वनाथ चतुर्थी से पांच कारण बताते हैं इन्होंने ये रूप लेकर किस लिए आए। उन्होंने क्या दिया, पांच कारण, उन्होंने टीका में पांच कारण बताए। जब आए हिरण्यकश्यप समझ गया मेरे काल प्रकट हो गया है, हैं लगता है इसको हाथ से हाथ मारूंगा, लेकिन वो भी साधारण नहीं था। बस दोनों में घमासान युद्ध हुई, युद्ध करते 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 जिस समय शाम हो गया, इतने में देवता लोगों ने बोले प्रभु अगर रात हो जाएगा ना राक्षस का बल बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। उदाहरण देते हैं जैसे गरुड़ ने सर्प को पकड़ता है, बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ता है, ऐसे भगवान उसको पकड़ कर कहां पर ले आए, एकदम उसको दहली पर ले आए और अपना गोद में बैठा करके उसको पेट के जो फाड़ने के लिए गए हैं। कथाकार लोग विभिन्न उदाहरण देते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है मेरे को मार नहीं सकते हो। बोले क्यों। बोले मेरे पास में ब्रह्मा जी का बहुत सारे वरदान है ना। बोले बता क्या क्या वरदान है। बोले दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मारोगे कैसे। बोले भले आदमी ऊपर देख, ये दिन में नहीं, ये रात में नहीं, सांप। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले किसी महीना में नहीं मरूंगा। बोले ये अधिक महीना है, ये पुरुषोत्तम महीना, कोई महीना में ही नहीं। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों। बोले आकाश में नहीं, पृथ्वी में नहीं, मारोगे कैसे है। बोले देखो पृथ्वी में नहीं तुम, आकाश पाताल में नहीं, धरती में भी नहीं, आकाश में नहीं, तुम पृथ्वी पर नहीं, मेरे जंग के ऊपर। बोले घर में भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा। बोले अच्छे तरह से देख तू दहली को, दहली में। बोले तब भी नहीं मरूंगा, क्यों, ब्रह्मा जी का किसी श्रेष्ठ प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, मारूंगा कैसे। बोले अच्छे तरह से देख, मैं ब्रह्मा जी मेरे को सृष्टि किया ना, मैंने ब्रह्मा जी को सृष्टि किया, मैं ब्रह्मा, ब्रह्मा का मैं बाप हूं। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं। बोले वरदान है ना, मेरे सारे मृत्यु का मार्ग को बंद करके मैंने रखा, तब भी नहीं मार सकते हो। बोले बता क्या तेरे पास में वरदान है। बोले किसी अस्त्र में नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र में नहीं मरूंगा, मारो कैसे। बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाकों ने देखते देखते पेट को उन्होंने फाड़ डाली है। बोले भैया उनका पेट को क्यों फाड़ दिए, फाड़ दिए क्यों। तो इसका एक कारण कहते हैं कि इसकी औरत से ही ये प्रहलाद जन्म हुए, इतने बड़े मेरे भक्त जन्म हुआ। थोड़ा ढूंढ कर देखता हूँ और दो चार प्रहलाद निकल जाए यहाँ से, भक्त यहाँ से निकल जाए। इसलिए उन्होंने पेट को फाड़ दिए और फाड़ करके इन्होंने जो उनका जो आसन था हिरण्यकश्यप का, क्योंकि नियम है जिसको जीतो उसका आसन को उपरिमन का अधिकार है, जाकर आसन पर बैठ गए। वर्णना करते क्या उनके भयंकर रूप, क्या उनके आंख लाल लाल, क्या जटाए, क्या उनके विकराल रूप। हाँ शंकर तो सोचे शायद प्रलय हो गया, ब्रह्मांड प्रलय हो गया। पहले शंकर जी सोच रहे हैं भाई प्रलय कैसे होगा, क्योंकि प्रलय का देवता तो मैं, पहले तो मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आएगा ना कि प्रलय कैसे हो जाएगा। फिर तो इतने भयंकर कोई भी नहीं आ पा रहे, इतने में शंकर जी आए मनाने के लिए। जब नंदी ने देखा बोले बाबा रे ये क्या, ये शेर का खाना होता है बैल को। बोले पूछ खर कर भागे, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने ऐसे टेढ़ी नजर से देखा। बोले तुमने बर दिया था हिरण्यकश्यप को, अरे मेरे भक्तों के ऊपर इतने अत्याचार किया। टेढ़ी नजर से देखा, ब्रह्मा भाग गई वहां से, मैया लक्ष्मी के पास में गई। बोले मैया प्रभु का भयंकर रूप आप ही मना सकते हो पत्नी। बोले भगवान तो बड़े प्यारे हैं,
शांताकारम भुजग शयनम, बोले अभी अभी मैं मना लूंगी। आरती का थाला लेकर के आए, ऐसे दहाड़े मारे ना, लक्ष्मी भी आरती का थाला छोड़कर भाग गई। बोले भयंकर, इतने भयंकर रूप मैंने कभी देखा है नहीं। सबके से प्रहलाद के पास में गए, प्रहलाद आते ही पास भगवान का जो क्रोध एकदम पानी पानी हो गया, प्रहलाद को गोद में बैठा कर चाटने लग गए। बोले प्रहलाद, मेरे रूप देख करके सारे देवता थर 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 कांप रहे, तेरे को डर नहीं लग रहा है? बोले प्रभु, शेर दूसरे के लिए शेर होता है, बच्चों के लिए शेर नहीं होता। आपका ये प्यारा रूप तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को तो ये संसार से डर लगता है, आप तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। भगवान फिर प्रहलाद को है वरदान दिया है, मैंने पहले सुन लिया। बोले लो कुछ देना चाहता हूँ? बोले नहीं प्रभु, आपके चरण की सेवा, भक्तों की संगत हो, और विश्व ब्रह्मांड को भक्ति दे दो, और मेरे पिताजी को उद्धार कर लो। फिर भगवान संतुष्ट होकर के फिर नरसिंह देव का आरती किए, हैं नरसिंह देव का आरती किए, फिर नरसिंह देव अंतर ध्यान हो गए। इसलिए आज का दिन श्री भगवान नरसिंह देव का जन्म तिथि है। लेकिन ये भक्तों लोगों के लिए, जब जब किसी भक्तों के ऊपर भी कोई विपत्ति आई है, जब जब कोई भक्तों के ऊपर विपत्ति आई, भगवान हर समय भक्तों को रक्षा किया है। अगर जीवन में हमारी कोई विपत्ति आए, क्योंकि भक्ति मार्ग यह कोटि कंट करुता है, खुरस धारा निश्चित दुरतया दुर्गम पथस्तत कवय वदंती। कवि लोग कहते हैं कि भक्ति के मार्ग का खोर की धार जैसे करोड़ों कांटा जुगते हैं, लेकिन नरसिंह देव का नाम लेने पर हर विपत्ति में भक्तों को भगवान रक्षा करते हैं। आज श्री नरसिंह देव का जन्म तिथि, श्री नरसिंह देव हम लोगों के ऊपर में भक्ति में जितना बाधा विपत्ति आए वो सबको ऊपर में कृपा करे, सारा बाधा विपत्ति को दूर करे, और चरण की हमें अपना चरण की हमें भक्ति दे। बोले श्री नरसिंह भगवान की, भक्त श्रेष्ठ श्री प्रहलाद महाराज की, निताई गौर प्रेमानंद कीर्तन करो, कीर्तन करो नृसिंह देव का, नमस्ते नरसिंह, जाओ ये करो सब के सब कर दिया जाए, इसको उस पैर में घुमा दो बढ़िया करके, तुम सब लोग देखे मैं अपना धर्म कीर्तन करो, जब रेडी कर दिया मुद्दा में कर दिया। Thank you.
Thank you.
Namaste.
Thank you.
I'm gonna go to the hospital.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की जगन्नाथ स्वामी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की पिताई गौर प्रमानंद हरि हरि बोलो। मैं दिख रहा हूँ। हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज जो 8:15 बजे जो क्लास होती थी, आज वो क्लास नहीं होगी क्योंकि आप लोग आज सारा दिन नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखे हैं। आप लोग अभी नरसिंह देव का अभिषेक करके चरणामृत लेकर के सबके सब प्रसन्न पाओ। आज जो 8:15 बजे जो कथा होती थी ये कथा आज नहीं होगी।